हाँ भाई, क्या ले आ चुका हूँ मैं कौन है सस्ती कमरे के साथ वापस। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्यों साइबर भैया वाली आईडी की इन्वेंट्री क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई तुम, और बहुत सारे लोग तो यही कमेंट कर रहे थे कि ये आईडी मैंने तो नहीं खरीद ली। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये आईडी अभी भी साइबर भैया की ही है। एंड फ्लैश के लिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस आईडी की इन्वेंट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड बेल नोटिफिकेशन को कर लेना ऑल पे फटाफट से सेट। तो चलो यार, अब सीधा इन्वेंट्री में बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, मेरे को इस अकाउंट में थोड़ी बहुत यूसी दिख रही है, तो क्यों क्यों ना थोड़ी बहुत स्पिन वगैरह पे यूसी उड़ा ली जाए। चलो यार, पहले स्पिन पे बढ़ते हैं। हमारा कहाँ है वो स्पिन? ये नहीं है, ये नहीं है भाई, कहाँ गया स्पिन? स्पिन ही खो गया गाइस वाला। ये रहा स्ट्रेंज स्पिन, खुल जा भाई। हाँ तो गाइस, पहले इस पे करेंगे 10 यूसी का लक ट्राई, क्या पता भाई इसमें निकल जाए कुछ। और ये क्या, अब जोकर के होट वाले सिक्के पकड़ा दिए, पता नहीं क्या है। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं सीधा बैरल के स्पिन पे, तो बैरल वाले स्पिन पे भी एक बार लक ट्राई कर ही लेते हैं। फिलहाल जल्दी से भाई कुछ दे दो, मतलब बैरल निकाल दो। अरे वाह, अब देखो यार, स्पिन में कटवाने के बाद तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रेंड लिस्ट खोलनी है। एंड फ्रेंड लिस्ट में आने के बाद यहाँ DND लगा देना है भाई, बहुत लोगों की इनवाइट आती है वरना भैया के दोस्तों की। अब देखो, अब हम बढ़ने वाले सीधा इन्वेंट्री की तरफ, इन 3, 2, 1 एंड बूम गाइस। अब देखो यार, इन्वेंट्री में तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है इस आईडी में वो है भाई ये फेरो एक्स सूट। मतलब भाई इस एक्स सूट को देखने के बाद तो मेरी रूह कांप चुकी थी अंदर की। अब देख लो, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को इन्वेंट्री में ये देखने को मिल रही है, उसके बाद ये वैम्पायर सेट, उसके बाद देखो मैं कुछ खास खास आउटफिट दिखाऊंगा जो कि बहुत रेयर है। ऑनरेबल वॉरियर सेट भी बहुत अच्छा है, एंड बाकी RP वाली कुछ है तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, जो अच्छी लग रही है वो देख लो। एंड भाई ये है देखो मास्ट साइक रोबे, जो भी है भाई, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर हो चुकी है जब से स्कूल नहीं गया मैं, तो एनिगमेटिक हंटर सेट भाई ये आउटफिट, इस आउटफिट के साथ जो इमोट है बहुत ही मस्त है। इसके बाद ये वेगनर जनरल सेट, ये भी अच्छा है। डार्क एसेशियन सेट भाई, इसके साथ जो भागने वाला इमोट, और ये आउटफिट भाई कहाँ से मिथिक लग रही है ये आउटफिट, ये तो ऐसा लग रहा है लेजेंडरी आइटम होगा। उसके बाद भाई ये मम्मी सेट बहुत ही अच्छा है, एंड ये वॉरियर ऑफ नट सेट, ये भी काफ़ी पसंद है मेरे को। बाकी ये फ्रीक नाइट आउटफिट, ये 4 आउटफिट 5 आउटफिट एक साथ आई थी तो उसी स्पिन में निकाली गई थी। और इन सब के बाद आया था हमारा ये राजा महाराजाओं वाला कपड़ा गोल्ड वॉरियर सेट। उसके बाद गाइज ये कुछ लेजेंडरी वाली आउटफिट हैं जो कि आप लोग खुद देख लो, मैं दिखाने नहीं वाला हूँ ये सब, मतलब बोलूंगा नहीं, गूंगा हो चुका हूँ मैं कुछ सेकंड के लिए। अब देखो यार, आउटफिट के पास सबसे मेन चीज़ जो है वो कि ये हेलमेट, हेलमेट में गाइज एक ये इन्फर्नो हेलमेट जो कि सबसे पहला बेस्ट मिथिक था हेलमेट की स्किन में, वो ये है। एंड इसके बाद ये कुछ छोटे मोटे हेलमेट है तो आप देख सकते हो वो, और ये पम्पकिन वम्पकिन हेलमेट पता नहीं क्या है भाई ये। बाकी इन्फर्नो हेलमेट तो भाई आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। एंड उसके बाद गाइज ये कुछ आउटफिट वगैरह का हेडगियर है जो कि आप देख सकते हो, टाइम ट्रेवलर हेडगियर ये, एंड ये कार्डबोर्ड वार्डबोर्ड वाले हेडगियर है, वॉरियर ऑफ नट क्या है ये गाइज, मेरे नाम भी इतना मतलब बोलते भी इतने अजीब से लग रहे हैं इनके नाम, तो भाई मतलब पहली बार देख रहे हैं ना ऐसे मिथिक अकाउंट, तो मतलब मजा ही आ गया। और ये क्या है भाई, ये कौन सा नया एक्सूट बन गया फेरो के ऊपर एक घोड़े का सर लगाते ही। बाकी ये कुछ जबंग 3 से चुराए हुए चश्मे हैं, तो आप लोग देख सकते हो ये चश्मा अभी दिखेगा नहीं, एक्सूट पहना हुआ है फिलहाल के लिए। बाकी मास्क वगैरह में यार, ये द फूल मास्क है, ये दूसरे क्लोसेट में लगा हुआ, ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगा क्योंकि अभी भाई एक मेन आउटफिट तो आप लोगों को मैंने दिखाई ही नहीं है। एंड बाकी बैकपैक में हम लोग बढ़ जाए तो भाई बैकपैक ये फेरो का बैकपैक है मेन। एंड इसके बाद ये दो मिथिक बैकपैक है गाइस, एंड इसके बाद फूल बैकपैक जो कि बहुत लोगों का फेवरेट है। एंड इसके बाद ये निंजा किटी, भाई निंजा और किटी का कॉम्बो बड़ा ही अजीब सा है। बाकी ये जो वो 6 आउटफिट या 5 आउटफिट आई थी मिथिक, उन्हीं के हैं ये बैकपैक वगैरह भी सब कुछ, और मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा तो आप लोग ये बैकपैक देख सकते हो, फटाफट से दिखा देता हूँ मैं आपको। और हाँ गाइस, इस इन्वेंट्री में भाई ये बैकपैक जो कि अभी बैरल के स्पिन में लेटेस्ट आया हुआ है, ये 10 UC में निकल गया था। फिलहाल के लिए यहाँ पर फेयर वाला बैकपैक लगा लेते हैं, पैंट वगैरह में इतना कुछ खास नहीं है। बाकी शूज़ में देख लेते हैं भाई, ये क्या है? अरे भाई ये तो पॉटी वाली चप्पल है भाई, ये पॉटी बनी है इसके ऊपर। तो गाइस मैं आप लोगों को गन लैब यहाँ से नहीं दिखाने वाला, लेकिन गन लैब में लैब में जाके दिखाऊंगा। बाकी गाड़ी की स्किन आप लोग देख सकते हो, एक ये एगनेस US करके है तो ये है एक, बाकी हेलफायर US है, एंड इसके बाद ये वाइट वाली विंटर US है, एंड ये कुछ नीचे से छोटी मोटी सी गाड़ियाँ वगैरह हैं जो कि हम लोग मेन रोड पे तो नहीं चला सकते लेकिन गेम के अंदर तो चला ही सकते हैं। और मुझे आज तक नहीं समझ में आया ये क्लोज टॉप US और ये जो माउस जी और अजीब सी US है जिसके ऊपर कपड़ा सा लगा हुआ था, ये क्यों दी हुई है अलग अलग? भाई एक US दे देते यार, मतलब दोनों में सेम स्किन लगती है, कितना अच्छा लगता। बाकी डासिया वगैरह में यार आप स्किन देख सकते हो, मेरी फेवरेट वाली डासिया तो भाई ये टॉक्सिक डासिया है जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देख लो उससे पहले आप लोग, ये सेकंड एनिवर्सरी की डासिया है। एंड इसके बाद भाई ये सेकंड एनिवर्सरी की डासिया के बाद ये रही भाई वो टॉक्सिक डासिया, मेरी फेवरेट डासिया। अब यार आप में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट तो वो वाली डासिया होगी जो अभी नई आई हुई है। बाकी उसके बाद भाई सबसे रेयर चीज़ जो है इसमें मैकलैरन की स्किन है, वो भी 3-3 जिसमें से कि 2 मिथिक हैं और 2 मिथिक के साथ साथ एक ब्लैक वाली है जो कि भाई फेवरेट वाली तो सबकी पिंक वाली होगी ज़्यादातर, और गोल्डन वाली तो है ही बहुत लोगों की फेवरेट, लेकिन भाई सबसे रेयर जो है वो ये पिंक वाली है जिसका स्पॉन में भी आती है जो कि लॉबी में। एंड अब यार रिमोट आप लोग देख लीजिए फटाफट से कुछ,
अब यार यहाँ पर आप लोग थोड़े बहुत इमोट एंजॉय कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का फेवरेट इमोट कौन सा है। भाई मेरा फेवरेट तो वो एनिग्मेटिक हंटर वाला इमोट है, आप लोगों का कौन सा है एक बार कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी मास्क सेकेट वाला है इमोट भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड हाँ गाइस, जो मैं आउटफिट आप लोगों को बोलने वाला था वो आउटफिट भाई अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो भाई यही है वो आउटफिट जो कि साइबरवेयर की सिग्नेचर आउटफिट है, और ये आउटफिट भाई मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि भाई ये आउटफिट एंड में दिखाने के लिए थी। एंड भाई ये आउटफिट बहुत ही ज़्यादा ओपी आउटफिट है। और हाँ, जो लोग साइबरवेयर को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते ही होंगे कि साइबरवेयर की सिग्नेचर आउटफिट भी यही है, एंड जो उनके लोगो वगैरह पे भी लगी हुई है वो यही आउटफिट है। अब चलो यार आगे इमोट्स पे बढ़ते हैं वापस से। तो डार्क एसेशन इमोट तो ये रहा, एंड गाइज इसके साथ वाला इमोट आप लोगों को देखना है तो एक बार मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन उसके बाद भाई ये एनिग्मेटिक हंटर सेट एंड भाई ये फेरो वाले इमोट तो भाई अभी नहीं हो सकते हैं। भाई इस इमोट में जो पीछे से बिजली उड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा ओपी लगती है। बाकी ये भाई फेरो वाले इमोट तो नहीं हो पा रहे हैं, ये कुछ छोटे मोटे इमोट है तो आप लोग देख लो इसे। और हाँ गाइस, शायद से साइबरवे का यही फेवरेट इमोट है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं साइबरवे इस आउटफिट के साथ ये इमोट। और भाई ये इमोट भाई फ्री में 300 सिल्वर में मेरा निकल गया था इस आउटफिट पे। और भाई इसके बाद ये जो आप लोगों को इमोट दिखाने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा फनी है। अब यार ये इमोट अगर एक्सट्रूड के साथ करें तो ये इमोट फ्रीज हो जाता है, लेकिन इस बार ये फ्रीज नहीं हुआ भाई, इसका मुंह फ्रीज हो जाता है, पूरा एक जगह अटक जाता है। बाकी ये कुछ स्पाइक डिमोन वॉरियर ऑफ नट भाई ये छमिया वाला डांस टिकटॉक वाला ये तो आप लोगों ने बहुत कहीं जगह देखा होगा। बाकी तो यार ये छोटे मोटे इमोट्स है तो बस इंजॉय करो आप लोग इन इमोट्स को। एंड इसके बाद चलते हैं सीधा प्लेन की स्किन्स पर। अब देखो यार प्लेन की स्किन में आ जाने के बाद भाई फेरो के साथ वाले सारे के सारे इसमें भाई सब कुछ चीज़ें हैं ऑलमोस्ट जो कि फेरो के डिज़ाइन से बेस्ड हैं। बाकी ये कुछ आरपी वाले इमोट हैं एंड गॉडज़िला वाले हैं। बाकी पैराशूट में भाई ये एक रेयर है, एंड बाकी ये छोटे मोटे हैं सीजन 4 से लेकर बाकी सब छोटे मोटे हैं। और ये नीचे बढ़ते बढ़ते कुछ हैं ये पैरों पे लगाने वाले हैं, बाकी स्केटबोर्ड तो यूज़ कोई नहीं करता। और इसके बाद भाई मस्त से मस्त ग्रेनेड कौन सा हो सकता है, तो ये पम्पकिन वाला ग्रेनेड है जिसकी किलफीड भी आती है। भाई इसकी किलफीड बहुत ही ज़्यादा ओपी लगती है फेरों के साथ, तो भाई इसका किलफीड और ही ज़्यादा ओपी हो जाता है। बाकी ये फेरो वाले हैं कुछ, एंड बाकी ये छोटे मोटे ग्रेनेड्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। अब यार बहुत से लोगों का फेवरेट तो यही पम्पकिन वाला ग्रेनेड होगा जो इसका नाम तो भाई जैक और लालटेन है। बाकी ये स्मोक वगैरह की छोटी मोटी स्किन्स है, देखो सब कुछ काम वैसे ही करेगा चाहे कितनी ही बढ़िया स्किन्स क्यों ना हो, तो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्किन से, बस थोड़ा चमकाने में यार नोटिस ज़्यादा पड़ता है किलफीड वाली चीज़ों पर, और लोगों का ध्यान भी खींच लेती है भाई ये किलफीड वगैरह में जब आते हैं ये सब चीज़ें। बाकी ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। एंड इसके बाद गाइज अब सबसे मेन चीज पे हम लोग बढ़ने वाले हैं जो कि है हमारी गन लैब। तो गाइज गन लैब में आते ही गाइज सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो है हमारी 13 की गन लैब। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बट अच्छी अच्छी चीज़ें हैं काफ़ी। गॉडज़िला ओम गाइज लेवल 6 तक है, एंड इसका किलफीड बहुत ही ज़्यादा ओपी लगता है मेरे को, एक बार आप लोग भी देख सकते हैं इसका किलफीड। भाई इसकी फाइनल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ओपी लगती है। एंड बैरल भाई लेवल 3 तक ही है जो कि लेवल 4 हो जानी चाहिए थी बट हमने करी नहीं है इस आइडिया भैया ने। एंड इसके बाद गाइज ये बैरल बहुत ही ज़्यादा ओपी है, इसका किलफीड भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरे को। एंड इसके बाद ये मूनलिट ग्रेस कार्नेट लेवल 2 की है, एंड इसके बाद एक मिनी की स्किन है आइसिकल मिनी जो कि लेवल 4 है, और फिर भाई एक M24 इसकी किलफीड बहुत ओपी लग रही है गाइस। और फिर ये विंटर क्वीन M24 इसकी किलफीड आप लोग देख लो। एंड इसके बाद ये AKM की एक स्किन है, इसकी किलफीड भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पेटी भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी है इसकी, और इसकी किलफीड भी आप लोग देख ही सकते हैं। एंड फिर ये उजी है इसकी किलफीड ये रही, और ये M24 इसकी किलफीड भी देख लो भाई, ये फेरो के साथ बहुत ही ज़्यादा ओपी लगती है। एंड इसके बाद भाई AKM ग्लेशियर ही ओपी है। एंड ये फिर इस वाटर ब्लास्टर स्कारल, और फिर ये भाई ये टेरर फ्रैंक का 98 इसकी भाई फाइनल फॉर्म और लूट क्रेट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ओपी हैं। और इसकी किलफीड में भी जो गोल्डन वाला लुक आता है वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है मेरे को। एंड इसके बाद गाइस ये M4 फूल है जो कि फुल्ली मैक्स है, बहुत लोगों की फेवरेट है M4 फूल, और इसका किलफीड भी। और इसके बाद गाइस इसका फाइनल फॉर्म वगैरह लूट क्रेट सब बढ़िया है। एंड इसके बाद ग्लेशियर जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा रेयर गन मानी जाती थी, लेकिन आजकल तो भाई बहुत सारे लोगों पर है ये, इसकी भाई ग्लेशियर की पेटी जो ऊपर से गिरता रहता है इसके ऊपर ये सब बढ़िया है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को कैसी लगी है इन्वेंट्री एक बार कमेंट में जरूर बताना। भाई मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और मेरे को खेलने में भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और हाँ गाइज इसका मैंने एक गेम प्ले भी डाला हुआ है चैनल पे, तो आप लोग वो भी देख सकते हो जाके। भाई व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं आजकल, पता नहीं भाई यूट्यूब को क्या ही हो चुका है। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आप लोग उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय बाय।